धर्मी तत्परता मुखे मधुरता दानी शमुत साहिता। और जिसका मन दान करने में उत्साही रहता है, जो दान करता है, ज्ञान दान, अन्न दान, वस्त्र दान, भूमि दान, धन दान, प्रेम दान, क्षमा दान, प्राण दान, जीवन दान, अन्न दान, दान करने में जिसको खुशी होती है कि कुछ दान दे दिया जाए, और दान देना चाहिए। कल मेरे पास एक फोन आया सुबह सुबह, राजस्थान के भक्त श्री रघुवीर मीणा का। तो मेरे संत ने कहा, रघुवीर मीणा ने 5100 रुपये प्रयाग कुंभ के भंडारा के लिए दिया है, और गुरुदेव इनको आज्ञा दे दो 51,000 दे दे। तो रघुवीर मीणा ने मुझसे बात किया, बोले क्या आज्ञा है गुरुदेव? हमने कहा तुमने जो इच्छा है वो दे दो, हमारी कोई आज्ञा नहीं देने के लिए। बोले आप बोल दो तो 1,51,000 दे दो। तो मैंने कहा मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा इसलिए नहीं बोलूँगा। बोले क्यों नहीं बोलोगे? हमने कहा नहीं बोलूँगा। बोले फिर बोलोगे नहीं तो हम देंगे नहीं। तो हमने कहा तुम दो या न दो, लेकिन हम तुमको बोलेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं बोलोगे? हमने कहा तुमको इसलिए नहीं बोलेंगे कि तुमने, मैंने कभी नहीं बोला था, तो तुमने आस्था चैनल की 1 महीने की फीस 1,60,000 रुपये नगद हमको दे गए थे। अगर हम बोलते तो शायद 60,000 ही देते, लेकिन 1,60,000 अपने आप दे गए थे 22 साल की उम्र में। तो तुम्हारी जो इच्छा हो सेवा करो, दान में तुम्हारा मन हो करो, ना मन हो ना करो। क्योंकि दान जो हम देते हैं, ये दान, इसका पुण्य हमारे पास ही आता है लौट करके। इसका पुण्य ऐसा नहीं कि इधर उधर चला जाए, ये पुण्य हमको ही मिलता है दान का। राजा वीरभद्र के राज्य पर बलवान राजा ने चढ़ाई किया, राजपाट ले लिया। राजा वीरभद्र पति पत्नी राजा रानी मेहमान का भेष बना करके निकल गए। बलवान राजा के सैनिकों ने पकड़ा, तुम कौन हो? तो कहा हम मेहमान हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। तो छोड़ दिया, तो राज से बाहर हो गए। थोड़े दिन रिश्तेदारों के यहाँ कुछ खाया पिया, रिश्तेदार भी सम्मान करना बंद कर दीजिए। ये तुम्हारे पास अगर कुछ ना हो तो रिश्तेदार भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, ये भी याद रखना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने को मजबूत बनाइए, अन्यथा तुम्हारे घर से कोई रिश्तेदारी भी नहीं जोड़ेगा। ना तो बेटी देगा, ना तुम्हारी बेटी लेगा, तुम्हारे घर में सब कुंवारे लोग पड़े रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आपसे कि हमेशा धनवान भी रहो, गुणवान भी रहो, और ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा नाम भी रहे। अन्यथा बैठने का स्थान भी लोग नहीं देंगे। स्वार्थी दुनिया है, बड़ा संसार, विचित्र है ये। तुम्हारे जो बहुत धनवान रिश्तेदार हैं, वे तुमको सोच समझ कर न्योता देते हैं कि अरे कमजोर है दे दो, अच्छा कोई बात नहीं, तो न्योता भी देना बंद कर देते हैं। ये दारू पीने से काम नहीं चलेगा, बीड़ी सुट सुट पीने से काम नहीं चलेगा। आपको संपन्न होना पड़ेगा, तभी आपको रिश्तेदारों में कद्र मिलेगी, अन्यथा कद्र नहीं होगी, अभद्र व्यवहार होगा आपके साथ। और साधु संत में भी अगर कमजोर हो गए ना, तो साधु संत को दूसरा साधु संत भी नहीं पूछेगा। इसमें भी लफड़ा है साधुओं में भी। मैं पहली बार गुजरात गया तो एक साधु ने मेरी ओर 1 रुपया फेंका, जोर से 10 फीट दूर गिरा रुपया, बोला ले लो चले जाओ। उसने सोचा ये भिखारी है, मुझको सोचा। और मैं तो पूरे इंडिया के सर्वे पर निकला था, मुझे देखना था लोग क्या करते हैं कैसे करते हैं। तो 1 रुपया मेरे मन में पहले तो हुआ ना उठाऊं, फिर हमने सोचा ले लो भागे भूत की लंगोटी भली, 1 रुपया भी ठीक है, ले लिया मैंने। 10 साल में मैंने साधना किया, तपस्या किया, स्वाध्याय किया, और तैयार हुआ। फिर वही गुजरात में जब मैं गया
तो रथ की बग्घी पर बिठाकर ढोल बाजे बजा करके उन्होंने हमको 51,000 दक्षिणा दिया और बोले आपका दर्शन मिला, हम धन्य हो गए। हमने कहा पहले जो भिखारी था वो भी अब धन्य सबको करने लगा। ये संतों में भी आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कबाड़ खाना हो जाओगे। कितना कबाड़ी साधु घूम रहा है, कबाड़ खाना लेकर बस खोपड़ी खोले इधर उधर घूम रहा है, फालतू चक्कर काट रहा। संत लाइन में भी मेहनत करना चाहिए और भक्त लाइन में भी मेहनत करो। भक्त बनो लेकिन कंगाल भक्त ना बनो, भक्त बनो तो ऐसे भक्त बनो जैसे कृष्ण भगवान। भक्त तो थे, अपने गुरु के शिष्य थे, पर उनके पास सोने की द्वारिका थी, सोने के महल में रहते थे। ऐसे तुम कृष्ण जैसी भक्ति करो और सोने के महलों में रह करके अपने गुरु का नाम याद किया करो। कदाचित तुम्हारी गरीबी नहीं मिट रही है तो सेवरी बन करके कुटिया में भगवान गुरु को याद कर लिया करो। और गरीबी कैसे नहीं मिटेगी, गरीबी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई जानदार प्राणी हो तुमको पकड़ कर बैठ गई है। गरीबी मिटाने का फार्मूला है पति पत्नी लड़ाई ना करो, गरीबी मिट जाएगी। भाई भाई सलाह से काम करो, गरीबी मिट जाएगी। जल्दी बंटवारा मत करो, गरीबी मिट जाएगी। काम डट के करो, गरीबी मिट जाएगी। काम के घंटे बढ़ाओ, आराम के घंटे घटाओ। आलस से बिल्कुल न रखो, नशा व्यसन कोई मत करो, फिजूल खर्ची मत करो, टाइम पास मत करो। फटाफट स्नान करो, फटाफट भोजन करो, फटाफट काम करो, जरा जल्दी करो, स्पीड करो, झटपट बर्तन मांज डालो, झटपट भोजन बना दो। रसोई में 6-6 घंटे घुसे मत रहो, 2 घंटे में फाइनल करके निकलो रसोई से बाहर और फट से बर्तन मांजो, झट से कपड़े धो फैलाओ सुखा दो, अपने कपड़े तहा कर समेट कर अच्छी तरह से रख लो और गाली गलौज ना करो। और गुरु का नाम लो, प्रवचन सुनो, स्वभाव को सुंदर बनाओ, व्यवहार को साफ सुथरा रखो और वाणी में मिठास पैदा करो, बोलने की कला सीख लो। गरीबी लाखों कोस दूर हो जाएगी, तुम अमीर हो जाओगे माल वाला। आंख मूंद करके पढ़ना शुरू करो। जितनी बेटियां सुख चाहती हैं, शांति चाहती हैं, इनको 2 काम करना चाहिए। नंबर 1 प्रवचन सुनना चाहिए, नंबर 2 इनको पढ़ने में पूरा मन लगा लेना चाहिए। और ये बेटे लोग भी पढ़ने में मन लगा लो। आपको जैसे अर्जुन को मछली की आंख केवल दिखती थी, ऐसे तुमको केवल अपने शिक्षा का लच्छी दिखाई देना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। एक दिन पढ़ लिख करके तुम जब तैयार होगी ना, तहसीलदार बनोगी, SP बनोगी और 2-स्टार दरोगा जी बनोगी, और उस समय तुम कलेक्टर बनकर आओगे, बैरिस्टर बनकर आओगे, जज बनकर आओगे, तो तुम्हारा गांव में नहीं, एरिया में नहीं, जिले में पूरा सम्मान होगा, नाम होगा, काम होगा, धन धाम होगा और लोग कहेंगे वास्तव में उनके बेटे बेटियों ने तो कमाल करके दिखा दिया। इसलिए मैं सभी बेटे बेटियों से कहता हूं कि कृपया टाइम मत पास करो। कितने बेटे लोग हैं उनको मैं देखता हूँ इधर उधर सड़क किनारे खड़े रहते हैं, टांग टेढ़ी करके खड़े होते हैं। न जाने कौन फैशन बनाया है, किस हीरो से सीखा है, लंगड़ा हीरो, इनको लंगड़ खाना बना दिया है। और लड़कियाँ भी कितना टाइट पैंट पहनकर खड़ी होती हैं, ऐसा लगता है कुश्ती लड़ना चाहती हैं। ये सब नौटंकी मत कर, ठीक से ढीले कपड़े पहन, पढ़ाई में मन लगा, मोबाइल के चक्कर में मत पड़, फैशन मत बना, बाल इधर उधर मत छितरा, बांध ले बालों की गठरी, काम शुरू कर। अपने माँ बाप को परेशान मत कर। और माँ बाप भी इतना कमजोर आत्मा है, वो कह भी नहीं पाता अपने बेटों बेटियों से ये तुम क्या कर रहे हो, इतना डरा हुआ है। जिंदा है वही बहुत ने अब तक मर भी जाता है। अरे दमदार बाप बनो, दमदार माँ बनो, थोड़ा धर पकड़ रखो, अनुशासन रखो। इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ कैसे लोग करते हैं, इनको टाइट रखो, अनुशासन में रखो। अभी गुजरात का एक साधु कह रहा था कि गुरुदेव की अपने साधुओं के ऊपर जो है पकड़ बहुत अच्छी है। हमने कहा पकड़ सकड़ नहीं, साधु खुद ही समझदार है और अनुशासन अपने आप मानता है। जो शिष्य अपने गुरु के अनुशासन में नहीं रह सकता वो शिष्य बिगड़ जाएगा। जो बेटा बेटी अपने माता पिता गार्जियन के अनुशासन में नहीं रहेंगे वो भी बिगड़ जाएंगे। ये संसार तो माया का संसार है, यहाँ तो बिगड़ने में देर नहीं लगती, सुधरने में बहुत देर लग जाती है।
नीचे गिरने में क्या देर है, एक छोटा सा बच्चा भी बाल्टी को रस्सी में बांधकर कुएं में लटका कर गिरा देता है और कुएं में पहुंचते ही बाल्टी डूब जाती, पानी से भर जाती। उसके बाद वो बच्चा जब बाल्टी को ऊपर खींचता तो खींच नहीं पाता तो चिल्लाता है कि पापा आइए, मम्मी आइए, बाल्टी को खींचिए, बाल्टी अब हमको खींच रही है अंदर कुएं में, क्योंकि ये बाल्टी वजन हो चुकी है, डूब चुकी है, वो अंदर बच्चे को भी खींच रही है। तब उसका पापा आता है, दोनों भुजाओं की ताकत लगाता है और भरी हुई बाल्टी को निकाल कर बाहर लाता है। याद रखना, इसी प्रकार से अपनी जिंदगी की बाल्टी कुसंगत की कुएं में गिराना तो आसान है, बुराइयों में गिराना तो आसान है, लेकिन उन बुराइयों से जब जिंदगी की बाल्टी भर जाती है तो उसको खींच कर कुसंगत की कुएं से बाहर लाना बहुत कठिन होता है। फिर तो कोई सदगुरु का सहारा चाहिए। दाने समुत्साहिता है, इसलिए खुले हृदय से दान किया करो। इस समय दान करने का बहुत अच्छा अवसर है, नए वर्ष का प्रथम महीना है। नए वर्ष में दान करने से जिंदगी में नया नयापन आता है, नया पुण्य हो जाता है। और प्रयाग में कुंभ चल रहा, कुंभ के लिए अन्न दान करने से अपने क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ता है। सभी माताओं बहनों और पुरुषों से व्यास गाती निवेदन कर रही है कि कल आप अपने अपने घरों से इच्छा अनुसार अन्नदान, दाल, चावल और गेहूं ला सकते हैं, जो कुंभ मेला में कम से कम आपके कैंप में डेली 30,000 लोगों का भंडारा चलता रहेगा, निःशुल्क भंडारा। उनकी सेवा में आपका अन्नदान लगेगा, उसका पुण्य प्रयागराज से उमरिया जिले तक आ जाएगा, बहुत बड़ा पुण्य होता है इससे। और भाइयों बहनों, मैं ये भी कहूँगा आपसे, प्रयाग कुंभ के लिए आप लोग जो वहाँ था, आप पहुँचो न पहुँचो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सेवा यदि पहुँच गई, जब सेवा यहाँ से वहाँ पहुँच सकती है तो वहाँ से पुण्य भी आपके यहाँ पहुँच सकता है, वो आपको प्राप्त होगा। इस मंडप में दान डिब्बे बंधे हुए हैं, ये दान डिब्बे केवल खाली ऐसे नहीं बंधे हुए, इसलिए बंधे हुए हैं कि इनमें कोई व्यक्ति ऐसा खाली नहीं जाना चाहिए जो दान न डाले। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 200, जितनी इच्छा हो इन डिब्बों में डालिए, ये आपका सीधा दान वहाँ लाखों भक्तों की सेवा में लगाया जाएगा और उस सेवा का पुण्य आपको ही प्राप्त होगा। एक अंधा भिखारी ट्रेन में भीख मांग रहा था, उस अंधे भिखारी को देख करके बहुत से लोग कहते थे बाबा जी आगे बढ़ जाओ, बाबा जी आगे बढ़ जाओ, कुछ लोग 1 रुपया डाल देते थे। एक आदमी को दया आ गई, ऊपरी सीट बर्थ पर सोया हुआ था, उठा और 100 का नोट निकाला और उसके डब्बे में डालने की कोशिश किया, लेकिन हाथ वहां तक नहीं पहुंचा तो नीचे बर्थ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उस यात्री से कहा, ये 100 रुपये लेकर के इसके डब्बे में डाल दो, भिखारी अंधा है। तो उसने डाल दिया और कहा, बाबा 100 रुपये हैं, संभाल लेना। तो अंधे भिखारी ने कहा, जिसने मेरे डिब्बे में दान पात्र में 100 रुपये डाले हैं, मेरा आशीर्वाद वहां तक पहुंचे, भगवान उसको सुखी रखे। तो लोग हंसने लगे, बोले पैसा तो ऊपर वाले की जेब से आया, डालने वाला तो बीच वाला है, आशीर्वाद तो बीच वाले तू दे रहा है। तो अंधे भिखारी ने कहा कि मैं अंधा हूं लेकिन मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है, आशीर्वाद डायरेक्ट वहीं पहुंचेगा जहां से नोट निकल कर आया है।